तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरे काम सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आते हैं, शेयर चैट ऐप पर व्यूज कैसे अच्छे ला सकते हो आप। जी हाँ दोस्तों, जब व्यूज अच्छे आएंगे तो लाइक्स भी अच्छे मिलेंगे और इंटरेक्शन भी आपका अच्छा होगा, और जिसकी वजह से आपको अर्निंग भी अच्छी हो सकती है। तो सबसे पहले तो मुझे कॉमेंट करके वो लोग बता दो कि दोस्तों जिन जिन लोगों का अभी तक अर्निंग शुरू नहीं हुआ है शेयर चैट ऐप से, वो लोग मुझे कॉमेंट करके बताओ, और कितने फैंस हो चुके हैं उनके, कितने लाइक्स हो चुके हैं, और अपनी आईडी जरूर मेंशन कर देना, क्योंकि मैं सब लोगों की देखता हूं और उनको बताता हूं फिर कि आप गलती कहां कर रहे हो। अच्छा यहां बात कर लेते हैं सीधे अपने टॉपिक पर, तो व्यूज अच्छे कैसे ला सकते हो। जी हां दोस्तों, सब लोगों ने कमेंट करके यही पूछा है कि व्यूज ही अच्छे नहीं आते, मतलब 100 से ऊपर व्यूज नहीं आते, तो क्या करना चाहिए। तो ये मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूं। तो क्या करना है उसके लिए आपको सीधे से सीधे एक मैंने जैसे कि पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, वही सीधा सा मेथड यहां पे भी आपको अप्लाई करना है, छोटा सा मेथड यहां पे भी आपको अप्लाई करना है, जो कि आपको कैमरे से वीडियो बनानी है या उसकी फोटो लेनी है। अब यहाँ पर कैमरे से वीडियो क्या बनानी है और फोटो क्या लेनी है, तो यहाँ पर आपको शेयर चैट कैमरा ही यूज करना है। ये कंपलसरी है, माइनॉरिटी है, यही आप इसको समझ लो। हाईलाइट भी यही है, इसी की वजह से अर्निंग के चांस, और इसी की वजह से व्यूज अच्छे, और इसी की वजह से सब कुछ अच्छा हो सकता है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो जल्दी से यहाँ पे शेयर चैट मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, ओपन कर लिया है देखिए मैंने, तो ये अभी ओपन हो रहा है। यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि जो देखिए मैंने जिस तरह से अपनी पोस्ट डाली थी उसमें कितना बदलाव है। और जैसा कि आप, मैं प्रोफाइल पे आ जाता हूँ, तो ये मेरी प्रोफाइल है। प्रोफाइल पे आने के बाद ही देखिए मैंने कल ये इसी के कैमरे से डाली थी, और इसके कैमरे से मेरे को व्यूज़ देखिए 1K व्यूज़ यहाँ पे मिल चुके हैं। 16 घंटे यहाँ पे अभी मेरे को हुए हैं इसको, तो उसमें 1000 व्यूज़ यहाँ पे मेरे को मिल चुके हैं, जिसमें से 17 शेयर इसमें करे गए हैं, 9 लाइक मिले हैं। अब देखिए अगर बात करी जाए कंपेरिजन की, तो अगर मैं ये पोस्ट देख रहे हो आप, तो ये जो पोस्ट है ये मेरे गैलरी में सेव है, और जो गैलरी में सेव होने के बाद ये मैंने इस पोस्ट को डाला है, तो इस पर देखिए कितने व्यूज़ हैं, सिर्फ 100 व्यूज़ हैं, एक दिन पूरा हो चुका है, 9 शेयर हैं और 16 इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइक आए हैं। तो अभी देखिए दूसरा भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ लोग अपनी गलतियाँ नहीं मानते हैं, ये देखिए ये भी सेम पोस्ट है जो मेरी गैलरी में है, ये पोस्ट भी मेरे पास पड़ा हुआ था गैलरी में, और इसके व्यूज़ भी आप देख सकते हैं 107 व्यूज़ हैं, और एक दिन हो चुका है, इसको भी देख सकते हैं आप। अच्छा यहाँ पर मैं इसी तरह से बात करता हूँ, तो देखिए 181 व्यूज़, और देखिए एक दिन ये भी, लेकिन इसके बाद इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी, वो चिल्ली पटेटो, जैसे कि आप खाना पसंद करते हो, फ्रेंच फ्राई जो भी बोलते हैं उसको, तो यहाँ पर मैंने ये वीडियो डाली थी। अब यहाँ पर वीडियो इसी के कैमरे से डाली थी, तो इसके कैमरे से बनाने के बाद रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 597, यानी कि 600 यहाँ पर व्यूज़ मेरे को आ चुके हैं, 11 शेयर के साथ 15 लाइक हैं, 2 दिन पहले डाल चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपसे सिंपल सा, कि अगर आप इसके कैमरे से वीडियो बना के डालते हो तो आपको इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी मैंने कैमरे से वापस डाली थी, ये मैं आपको पोस्ट दिखा रहा हूँ जो सबसे पहले दिखाया था, 1000 व्यूज़ यहाँ पे हुए हैं, वो इसी के कैमरे से बनाई हुई है, लेकिन ये वाला जो पोस्ट है वो इसके कैमरे से नहीं, बल्कि ये मेरे फोटो गैलरी में सेव था और वहाँ से मैंने उसको उठा के अपलोड किया है। सेम ये भी पोस्ट ऐसा है, और उसके बाद मैंने ये भी पोस्ट आपको दिखाया, लेकिन यहाँ पर ये पोस्ट आप देख सकते हैं, तो 600 व्यूज़ यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये इसके कैमरे से बेनिफिट है, और जब इसके कैमरे से आपको इंटरेक्शन अच्छे मिलेंगे तो जाहिर सी बात है आपको अर्निंग के चांस मिल जाएंगे, और अर्निंग के साथ साथ आप इसमें बहुत सारी चीजें ग्रोथ भी कर सकते हो। तो दोस्तों आपको करना क्या है, प्लस के आइकन पर क्लिक करते समय अपलोड जहां आप करते हो साइड में देख सकते हो आप कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरे से आप यहां पर पोस्ट आपने करनी है, तो जब कैमरे से आप पोस्ट करेंगे तो ही आपको अच्छा व्यूज़ मिल पाएगा। आप टेक्स्ट में भी अगर कुछ आपके पास बना हुआ है, आप शेर व शायरी लिखते हैं या फिर करते हैं, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट में भी आप इसको कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों और कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करके वो भी पूछ लीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाय।